हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वेबो की जेसन में। तो आज हम कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आपको पिक्सआर्ट में ये बैकग्राउंड ओपन कर लेना है, उसके बाद हमें मतलब एड फोटो में जाना है और हमारी मॉडल की फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लूँगा एंड इरेज पे क्लिक करूँगा। इरेज पे क्लिक करने के बाद इसकी हार्डनेस और साइज़ बढ़ाएंगे और इस तरीके से हम इरेज करेंगे। तो हमने बैकग्राउंड इरेज कर लिया है, आपको भी इसी तरीके से करना है। ये करने के बाद हमें राइट पे क्लिक कर देना है, राइट पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद हम एड फोटो में जाएंगे, सॉरी एड फोटो में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे टूल्स में और फोटो को क्रॉप करेंगे। तो हम पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देंगे, ये कर दिया हमने। अब हम राइट पे क्लिक करेंगे। ये करने के बाद हम सिंपली एड फोटो में जाएंगे और बारिश का इफेक्ट मतलब इसका PNG हम ऐड करेंगे। ये करने के बाद हम इसको सिंपली एडजस्ट करेंगे एंड ऊपर की तरफ इसको स्क्रॉल कर देंगे। ये करने के बाद हम इसकी ओबेसिटी 30 रखेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इसकी ओबेसिटी हमें 30 रख लेनी है एंड ये करने के बाद हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और ब्लेंड में आ जाना है और स्क्रीन कर देना। ये करने के बाद हमें इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो हम सिंपली डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे एंड इसको नीचे की तरफ वापस जहाँ पर हमारा वो ऊपर वाला है उसके हिसाब से नीचे कर देंगे। ये हो गया। अब हम इरेज पे जाएंगे और जो भी मतलब रेन का इफ़ेक्ट है तो हम अपने फेस से हटा देंगे। तो ये करने के बाद हम राइट पे क्लिक कर देंगे एंड ये हो गया हमारा काम। ये करने के बाद हमें टेक्स्ट में जाना है और सेव एनवायरनमेंट टेक्स्ट करना है, जैसे कि मैं करूँगा अभी। अपन को सिंपली सेव एनवायरनमेंट लिख देना है एंड डन कर देना है। इसके बाद हमें अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से कर लेना। मुझे तो ये वाला पसंद है तो मैं ये कर रहा हूँ एंड इसको हम अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ रख लेंगे। आप चाहे तो इसको कहीं और भी मतलब रख सकते हैं, तो मैं यह कर लेता एंड राइट पे क्लिक कर दूंगा। ये करने के बाद हम टूल्स में जाएंगे, सॉरी टूल्स में नहीं, हम इफेक्ट में जाएंगे और हमें एक अच्छा सा इफेक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे कि मुझे ये कर रहा हूँ मैं, ये अच्छा नहीं लगा, ये भी नहीं, ये सही है। तो हमें ये सब हटा के फिल्म 2 पे ही क्लिक कर देना है और वो इफेक्ट अच्छा लगेगा। ये हो गया, हम राइट पे क्लिक कर देंगे। अब हम टूल्स में जाके इसकी फ़ोटो की रिसाइज करेंगे, जिससे हमारी फ़ोटो HD क्वालिटी में सेव हो। तो हम इसका साइज़ बढ़ा लेंगे, ये हो गया हमारा काम। अब हम ड्रॉ में जाके इसको सेव कर लेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।